तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? और आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइज, ये भी एक होने वाला ड्यू का रैंकोस गेम प्ले। और गाइज, दोनों मैच में ही गाइज हैकर थे। अब इसमें वीडियो में मतलब मैं आपको दो मैचेस दिखाऊंगा गाइज। एक में हमारा चिकन निकलता है और दूसरे में गाइज मैं #2 आता हूँ। और गाइज मतलब जब आपकी लॉबी में हैकर आता है तो गाइज आपको किस तरीके से खेलना होता है, किस तरीके से जोन रोटेशन देनी होती है, इसका भी आपको इस मैच में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो गाइज अब जो पहला हैकर होता है वो होता है गाइज हमारे सामने जो ब्लू हाउस होता है वहाँ पे। अब भाई वो बंदा M249 से मार रहा होता है, बट गाइज उसके पास मतलब वॉल थ्रू हैक नहीं होता, उसके पास एम बॉट प्लस ESP वगैरह सब कुछ होता है। बट ये बंदा आर पार नहीं मार पा रहा होता, और भाई बहुत ब्रूटल मार रहा होता है ये बंदा, ठीक है। हाइड्रेट रेंजर नाम होता है इसका, अभी आप देखना किल फील्ड में बहुत नाम आएगा इसका, हाइड्रेट रेंजर का। अब भाई यहाँ पे क्या सीन होता है कि भाई दो डीओ हमारे सामने होते हैं, दो डीओ उनके पीछे होते हैं, एक गाड़ी लेके जा रहा होता है जिनको इन लोगों ने मार दिया होता है, और दो डीओ होते हैं हमारे लेफ्ट में। अब गाइज यहाँ पे जोन बहुत छोटा हो चुका था, हम पे जोन होता भी नहीं है, तो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पे उस हैकर का टीममेट थोड़ी देर के लिए बाहर आता है और आप देखना क्या होगा। मेरे को ये नहीं पता अब ये हैकर का ही टीममेट था या फिर उनकी जो डीओ से फाइट हो रही थी उनका टीममेट था। यहाँ पे देखो हाइड्रेट रेंजर फिर से किल फील्ड में आया। अब यहाँ पे गाइज वो बंदा, मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई मेरे को फर्स्ट एड दे दे तेरे पे जितने भी फर्स्ट एड है, क्योंकि भाई हो सकता है कि मैं हील बैटल ले लूँ। बट यहाँ पे गाइज ये सीन नहीं होता, हमारे थोड़ा जोन फेवर में आ जाता है। अब यहाँ पे वो बंदा मेरे को दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, उस बंदे को तुरंत नॉक दे देता हूँ। अब गाइज इसके नॉक होते ही मेरा टीममेट बोलता है भाई पुश कर पुश कर, बट गाइज मैं जानता था पुश करने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, अपन लोग मारे जाएंगे। तो गाइज मेरे को नीचे जोन में एक पत्थर दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि गाइज अभी अपने पे जोन नहीं है, अपन जाके हाई ग्राउंड होल्ड करते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या सीन होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं हाई ग्राउंड होल्ड करने के लिए। अब भाई यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता होता है कि भाई टोटल बचे होते हैं 8 बंदे, दो बंदे सामने होते हैं, मतलब 4 बंदे एक तरह से, दो डीओ सामने होते हैं, एक डीओ राइट में होता है अपने और एक डीओ ओपन होते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का बहुत इंटेंस सीन चल रहा होता है कि गाइज हम लोगों को चाहिए होता है चिकन, क्योंकि गाइज बिल्कुल प्लस नहीं मिल रहा है डीओ की लॉबी में, आई डोंट नो व्हाई। और इन हैकर्स ने ना गाइज आके दिमाग ख़राब कर रखा है, लिटरली हर मैच में एक से दो हैकर आपके मिलता ही मिलता है, ठीक है, जो कि आपको मार के चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब गाइज यहाँ पे मैं जानता था कि भाई सामने से बंदा आएगा, क्योंकि वो लोग जोन में नहीं थे। अब यहाँ पे भाई उनकी फाइट हो चुकी होती है, बट यहाँ पे वो बंदे वहीं पे होते हैं और वो लोग जोन में नहीं होते, तो गाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रख रहा था कि भाई वो जोन से जैसे आएंगे मैं नॉक करूँगा। अब भाई यहाँ पे वो हैकर भाई खिड़की से कूदता है और भाई मैं उसे तुरंत DP से ले लेता हूँ, और उसका जो बचा हुआ दूसरा टीममेट होता है उसको गाइज अपना राइट वाला डीओ मार देता है। अब गाइज ये लोग तुरंत अपने पे पूछ चुका हूँ कि ये लोग भी जोन में नहीं होते, तो जोन में आने की कोशिश कर रहे होते, मैं पहले बंदे को तो बड़ी ईजिली ले लेता हूँ, बट गाइज मैं दूसरे बंदे के प्री फायर में आ जाता हूँ और ईजी नॉक हो जाता हूँ उस बंदे से। अब भाई यहाँ पे क्या सीन था कि भाई वो बंदे को भी जोन में आना था और उसको रिवाइव भी देना था, तो भाई उस बंदे ने रिवाइव देना सही समझा, बट गाइज ये उसकी गलती थी, वो चाहता था पुश कर सकता था, शायद उनके पास कोई चांस होता। तो यहाँ पे गाइज मैं जैसे ही रिवाइव हुआ मैंने तुरंत फर्स्ट एड लगाई और मैं जा रहा था सीधा पुश करने, क्योंकि मैं जानता था अगर वो रिवाइव हो गए तो गाइज बहुत दिक्कत दे सकते हैं हमें। तो गाइज ये अपने पे बहुत गोल्डन चांस था, अपन लोगों ने सीधा पुश किया और गाइज ईजी किल मिला मेरे को और चिकन डिनर मिला इस मैच में। गाइज मेरे को मिल गया था अराउंड 14-15 का प्लस। ये गेम प्ले था गाइस Crown 3 का। अब भाई इस मैच के बाद अपन लोग चलते हैं अपने दूसरे मैच पे। तो गाइस इस वाले मैच में एक ब्रूटल हैकर आया होता है, मतलब जो पूरी लॉबी खाली कर रहा होता है, ऐसा हैकर आया होता है, तो आप देख लो मैं किस तरीके से जोन के बाहर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ जैसे ही मैं जोन में जाऊँगा वो बंदा मेरे को भी मार देगा। उसके पास सब कुछ होता है, वॉल थ्रो, ESP, मैजिक बुलेट, सब कुछ, एम बॉट वगैरह सब कुछ होता है उस बंदे पे, और भाई वो बंदा लॉबी पे लॉबी खाली कर रहा होता है। अब गाइस यहाँ पे मेरे को सामने बंदे स्पॉट होते हैं जोन में, जो कि एज होल्ड कर रहे होते हैं उस हैकर की वजह से, और मैं होता हूँ जोन के बाहर, तो गाइस मेरे को एंगल मिल रहा होता है, तो गाइस मैं सोचता हूँ पहले इजी जाके प्रोन होकर स्प्रे दूंगा, बट जब मैं प्रोन होता हूँ मेरे को वो बंदा दिखता नहीं है, तो गाइस मैं यहाँ पे क्राउच होता हूँ, पहले बंदे को नॉक देता हूँ और दूसरे बंदे को देता हूँ थोड़ा सा डैमेज। अब यहाँ पे भाई वो दूसरा बंदा भाग रहा होता है, तो गाइस मैं जल्दी से गन रिलोड करता हूँ और इजी फिर से स्प्रे देता हूँ और दूसरे बंदे को भी ईजी फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन लोग के हो जाते 3 किल। अब भाई जोन में बचे हुए थे 13 बंदे, ठीक है, मेरे को छोड़ के 13 बंदे बचे हुए थे। तो गाइस अब मैं सोचता हूँ जोन जाना है अपन को, तो अपन लोग यहाँ पे इनकी बग्गी बग्गी उठा के थोड़ा लूट वूट करके जोन के लिए निकल रहे होते हैं। अब भाई देखना वो हैकर देगा मेरे को स्प्रे। अब लगभग वो कंपाउंड के नीचे था वो हैकर, बट उस बंदे ने मेरे को वॉल मतलब रिजेस का और पहाड़ के आर पार स्प्रे मारा, और देखना भाई गाड़ी की क्या हालत कर दी, लिटरली ये बग्गी फटने वाली थी, बट अपन बच जाते हैं यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे क्या सीन था कि भाई हम लोगों को जाना था जोन में, और भाई वो हैकर भी बचा हुआ था, कहते हैं मतलब सर्वर बोर्ड में भी चल रहा शायद वो हैकर, मेरा नाम नहीं याद, कुछ ऐसी उसकी रैंक थी लास्ट टाइम 70 कह रहा हूँ, अब मेरे को पता नहीं वो कहाँ पे चल रहा होगा।
तो भाई यहाँ पे अपन लोग जा रहे होते, तो भाई यहाँ पे वो हैकर अपन को स्प्रे मारता है, बहुत गंदा स्प्रे मारता है, ठीक है। ये बग्गी फटने ही वाली होती है, बट किसी तरह से भाई मैं बच जाता हूँ यहाँ पे आके। तो मैं इस बग्गी को पहले सबसे छोड़ता हूँ और उससे थोड़ा दूर जाके हील लगाता हूँ, क्योंकि जोन भी आ गया होता है। अब यहाँ पे भाई क्या सीन था कि 13 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से एक मैं था और 12 बंदे बचे हुए थे। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी भाग के जोन में जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद गाइस सामने एक घर होता है, तो गाइस मैं उसकी तरफ भाग के आता हूँ। बट यहाँ पे क्या सीन होता है भाई, इस घर पे ऑलरेडी बंदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को प्रोन होना पड़ता है, और अपन सोच रहे होते कि भाई अपन क्या करें इस, क्योंकि इस बंदे में पुश करेंगे ओपन से तो ये बंदा इजिली ले लेगा मेरे को। तो गाइस मैं वेट कर रहा था, क्योंकि जोन में था मैं, अभी मैं वेट कर रहा था कि कभी एक अपनी गाड़ी लेने आएगा या फिर कोई गलती करेगा जिससे मैं इसे मार सकूँ। अब गाइस आप किल फीड देखो ध्यान से, ये हैकर पूरी लॉबी खाली कर रहा होता है, ठीक है। बट अभी अपन इस पर ध्यान नहीं देते, अपन के पीछे एक बंदा आ जाता है, इसके फुटस्टेप अपन का आ जाते हैं, तो हम इसे बड़ी इजली मार देता हूँ मैं इसे, और यहाँ सामने वाले बंदे पे स्प्रे देता हूँ खिड़की पे, बट भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस बहुत देर तक मैं यहाँ रहता हूँ, जब भाई फाइनली यहाँ से जोन हट जाता तो गाइस मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं बचा होता यहाँ से निकलने के लिए। और जो बचे हुए बंदे होते लेफ्ट में, वो हमारा हैकर भाई साहब जो है उनकी पूरी लॉबी खाली कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए। तो भाई तो यहाँ पे इस राइट वाले बंदे पे मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे इस बंदे ने स्मोक स्मोक कर दिए थे गाड़ी लेके निकलने के लिए जोन में, बट कुछ फ़ायदा था नहीं गाइस। अगर ये भी जोन में जाता तो वो भी उस हैकर के हाथ मार जाता। इससे अच्छा गाइस मैं सोचता हूँ कि भाई एक किल मिल जाएगा तो शायद ज़्यादा प्लस हो मेरा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब ये बंदा स्मोक में कहीं था मेरे को पता नहीं था, बट इतने में ये एक नेट फेंकता है तो मेरे को पता चल जाता है हाँ भाई ये स्मोक में है, और गाइस मैं इस पर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। अब भाई ये मेरे लेफ्ट से अचानक से निकल के फायरिंग शॉट करता है, बट मैं गाइस इजीली इसको डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा था जो कि था वो हैकर। अब भाई अपन को भी पता है कि वो उसके हाथ से अपन को मरना ही मरना है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मैं गाड़ी लेकर जोन चला जाऊँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आप देखिए खुद हम उसके हाथ से मर जाएंगे। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। आप देखो अब किस तरीके से भाई वो हैकर हमें मारता है। अब गाइस मेरी रैंक फिलहाल एस टीयर पे 20 या 41 पॉइंट्स चल रही है गाइस। अभी भी मेरे को कॉन्क्यूरर नहीं मिला, कल मैंने गाइस गेम नहीं खेला, वरना मेरे को आज कॉन्क्यूरर मिल गया होता। बट क्या कर सकते गाइस, मेरा मूड बहुत ऑफ है इन हैकर्स की वजह से। गाइस हर मैच में 1 से 2 हैकर आ रहे हैं और मैच पूरा ख़राब कर दे रहे हैं। गाइस वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।